आज के इस वाले वीडियो पे मैं आज ट्राई करने वाली हूँ आयरन फॉर्म बनाने की। जी हाँ, इधर पे ये वाला आयरन फॉर्म तो मैंने बना लिया, बट ये ना फ्लॉप हो जाता है। इसमें आयरन गोलेम स्पॉन तो नहीं हो रही थी, बल्कि इधर पे कैट्स वगैरह तो आ जा रही थी, बट आयरन गोलेम नहीं आ रही थी यार। तो आज तो कुछ भी करके फॉर्म तो बना के रहेंगे। तो चलो बिना देर के ना फटाफट से पहले गेम पे चलते। उससे पहले हेलो चीयर्स गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ माइनक्राफ्ट। तो अभी मुझे पहले ना चाहिए फेचिंग टेबल इधर पे, तो इसके लिए बहुत सारे लॉग्स की जरूरत है। तो फटाफट से चलो थोड़ा सा लॉग वगैरह इधर से कलेक्ट कर लेते हैं। एंड अभी काफ़ी सारा लॉग मैंने कलेक्ट कर लिया, अभी फटाफट से एकदम से प्लैंक बना लिया मैंने। अभी इधर पे फ्लिंट की जरूरत है, फ्लिंट तो मिल ही गई थी मुझे, बहुत पहले ही मेरे पास थी। तो फटाफट से चलो फेचिंग टेबल को बना लेते। और इधर पर मुझे 10 जैसे फेचिंग टेबल चाहिए, कैंप फायर भी चाहिए, एंड इसको भी बना लेते। लकड़ी तो हो गया, लॉग है, बट इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, छोड़ो यार, इधर पे नॉर्मल कैंप फायर बना लेते। अभी तो पता भी नहीं मुझे, वो स्काई कलर का दिखने में तो बहुत सही लगता है, बट बनाता कैसा वो मुझे नहीं पता। अभी इधर पे थोड़ा बहुत मुझे बालू की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा इधर पे मुझे ग्लास की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलो बड़ा इधर पर कुछ बालू कलेक्ट कर लेते, फिर आप मतलब फिर हम आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, अभी काफ़ी सारा मैंने इधर पे बालू को कलेक्ट करके लेके आ तो चुकी हूँ। अभी इधर पे मुझे फर्नेस पे मैं सारी चीज़ों को दे देती हूँ, एंड फटाफट से देखो अभी बस 40 ही मैंने कलेक्ट कर पाया। अभी काफ़ी सारा बनाना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं अपने को मतलब आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ मेरा फॉर्म आयरन फॉर्म, जो कि मैंने इधर पर ट्रायल एक दे लिया था, मतलब एक बना लिया था। बना के मैंने देखा कि इसमें हो भी रहा है कि नहीं, बट नया वाला बनाने के लिए देखो 20 बेड की ज़रूरत पड़ेगी, 10 कैम्फियर की, यार इधर पर ग्लासेस लगेगी, ब्लॉक्स लगेगी, 3 बाल्टी पानी लगेगी, एंड इधर पे हॉपर मुझे लगने वाले हैं 10, एंड इधर पे 10 फेचिंग टेबल, एंड इधर पे बाकी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। उससे पहले देखो इधर पे अपना फार्म बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इधर पे आयरन गोलेम भी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुका था, एंड बहुत अच्छी तरीके से स्पॉन भी हो रहा था। एंड सबसे बढ़िया बात ये, एक साथ एक नहीं बल्कि दो दो भी काफ़ी मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ कि दो भी एक साथ आ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है। आप लोगों को मैं बहुत क्लोज से दिखाना चाहती हूँ एक बार, एक सेकेंड रुकना ज़रा। ये देखो इधर पर अपना आयरन गोलेम भी इधर पे स्पॉन होना स्टार्ट हो चुका है, एंड इधर पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये देख ही पा रहे हो कि इधर पे अभी फिलहाल के लिए देखो सामने और एक आप लोगों के सामने इधर पे स्पॉन हुआ। तो इसी तरीके से इधर पे आयरन गोलेम स्पॉन होना स्टार्ट हो चुका है, एंड कुछ ही देर के अंदर मुझे काफ़ी सारा मतलब अनलिमिटेड इधर पर मिलने वाला है आयरन इधर पर। तो इसका मुझे देखो दो दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी इधर पर सेम वे से मैं और एक इधर पर फार्म को ऐसे ही बनाने वाली हूँ, एंड दोनों को जॉइन रखने वाली हूँ कि मेरे लिए मतलब मेरे पास एक बड़ा सा फार्म रहे आयरन फार्म। तो चलो फटाफट से ब्लॉक लगाते, 3, 4, 5, और इधर पे लगाना पड़ेगा 3, एंड इधर पे सेम वैसे इधर पे भी 3 लगाएंगे, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 हो गया। अभी इधर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इधर पे 9 ब्लॉक ऐसे लगाना पड़ेगा, एंड इधर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी इधर पे मिडल पे जितना भी जगह खाली है उसको हम फिल कर देंगे बाकी ब्लॉकों से। तो चलो फटाफट से इधर पे पहले ब्लॉक से हम इधर पे पूरा एकदम से भर देते हैं, फिर आप लोगों से फिर से एक बार मिलते हैं। ऑलराइट, अभी इधर पे लास्ट 2-3 ब्लॉक ही बाकी है, इसको हम भर दिया। अभी ये पूरा प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका, एंड इसके ऊपर हमको देना है एक लेयर। आप लोग और भी कोई ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो, मैं तो इधर पर ग्लास का यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी लगती है इसलिए। अभी दिक्कत क्या हो गया कि इधर पर मैंने भाई इसको मार नहीं सकता। ओ शिट यार, मेरे को एकदम से पता नहीं था। एक्चुअली मैटर क्या हुआ कि इधर पे मैंने जैसे ही एक नया तरीके से बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया ना, उधर पे आयरन गोलेम बाहर पे स्पॉन होना स्टार्ट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। अब क्या ही कर सकते, अभी जैसे हम इसको अच्छे से कर देंगे ना उसके बाद आई होप कि इधर पर नहीं होगा। बाकी इधर पर मैं 20 बेड को ऐसे लगाने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि लास्ट और कुछ ही बेड बाकी है, इसको देख देंगे तो हो जाएगा। इधर पर मैंने 20 बेड जैसे लगा दिया, एंड उधर पर देख रहे हो ना आयरन गोलेम इधर पर बैक टू बैक इधर स्पॉन होता जा रहा है, एंड इधर पे काफ़ी सारा मेरा कलेक्ट होता रहा है। अभी उसको हटाते पहले इधर पे इसके ऊपर मुझे और एक इधर पे ऐसे ही लेयर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि देख ही पा रहे हो कि इधर पे पूरा एकदम लेयर से इसे घेरना पड़ेगा इसको। तो चलो फटाफट से और एक लेयर देके इस चीज़ को पहले घेर देते हैं। तो चलो फटाक से एकदम से बनाते हैं, एंड इसके ऊपर और एक लेयर को हम पूरा एकदम से कंप्लीट करेंगे। तो ऑलराइट, इधर पे पूरा इधर तक हमने खींचा, अभी बस लास्ट कुछ ही बाकी है।
अभी ये देखो यार, ये लोग बाहर ही स्पॉन हो जा रहे हैं, क्योंकि बेट मैंने इधर पे लगाना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा दिक्कतें हो जा रही है। बाकी एक बार रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद एकदम अच्छे से आने लग जाएगा वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अभी थोड़ा सा दिक्कतें होगी तो अभी उन लोगों को बाहर ही रहने देते हैं, बाकी बाद में हम ठीक करेंगे। उससे पहले इधर पे फार्म को पहले कंप्लीट करते हैं। अभी इधर पे इसके ऊपर मुझे बिल्कुल इसी तरीके से फेचिंग टेबल को जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे तरीके से मुझे लगाना है, मुझे जितना पता है। अभी इधर पे 5 ब्लॉक मुझे और ऊपर जाना है, इधर पे 5 लगा दिया। चलो अभी ऐसे 4 कॉर्नर पे मुझे ऐसे ही 5 ब्लॉक को लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5। चलो हो गया। अभी सेम वैसे उधर पे भी 2 कॉर्नर पे लगाना है। चलो लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। चलो ओके। अभी चारों ओर पे मैंने बिल्कुल इसी तरीके से लगा दिया, इन चारों ओर पे ऐसे पिलर बन चुका है। मिडिल पे मुझे ऐसे 6 फेचिंग टेबल को लगाना है, ठीक है। तो इधर पे मैंने 6 देखो ऐसे लगा दिया बिल्कुल इसी तरीके से। ऑपोजिट साइड पे भी मुझे ऐसे 6 को लगाना है। तो 3, 4, 5, 6 हो गया। अभी इधर पे मुझे लगाना है 3 ऐसे, रुको एक सेकंड, इधर पे लगाना है 1, 2 एंड 3 हो गया। एंड इधर पे भी लगाना है 3 ऐसे, 1, 2, 3। एंड इसके ऊपर मुझे 1 करके लगाना है, ठीक है। इधर पे 1 लगा दिया एंड इधर पे भी 1 लगा दिया। चलो हो गया। बस मतलब डेकोरेशन भी सही से हो इसी कारण ऐसे लगाना हो रहा है। और इधर पे जो भी मैंने स्टोन का जो स्लैब लगा के मतलब स्लैब बना के लाया था, इधर पे चारों ओर पे मुझे देके इसको कवर कर देना है। वैसे आप लोग ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने बस इसी का यूज़ किया, बाकी ब्लॉक का नॉर्मल ब्लॉक का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड अभी चलो इधर पे फटाफट से इधर पे ना मैं काम करती हूँ, इधर पे ऐसे करके इस लेयर को बंद कर देती हूँ। सेम वे से इधर पे भी मुझे इसको पूरा कंप्लीट मतलब पूरा एकदम फील कर देना है, चारों ओर पे कहीं पे भी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो चलो अभी इधर पे भी कर देते हैं, इसको लगाते हैं इधर पे एंड इसको पूरा से कंप्लीट करना पड़ेगा। सेम वे से मतलब जितना भी जगह खाली है सभी जगह पे ब्लॉक से मैंने भर दिया। अभी देखो मिडिल पे जो जगह है इधर पे मुझे लगाना है टॉर्च को। आप लोग लाइट ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो तो फिर टॉर्च लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैंने इधर पे टॉर्च लगाया। चलो हो गया। अभी इधर पे मुझे बनाना है एक सीढ़ी, क्योंकि पहली बात तो मुझे इधर पे गांव वालों को लाना है। अभी ये भी तो है ना, गांव वालों को लाएंगे तो कैसे इधर पे रखेंगे यार, इतना ऊंचा सा एक बिल्डिंग है उसके अंदर घुसाना भी तो पड़ेगा उन लोगों को। तो उसको करने के लिए मुझे चाहिए एक लैडर, एंड लैडर तो ऐसे नहीं बनेगा, तो इसके लिए मैं इधर पे एक सीढ़ी जैसे बना रही हूँ। तो इस सीढ़ी को हम लोग चढ़ेंगे तो चल जाएंगे। अभी मैं दिखा दी हूँ कैसे हम इसको मतलब कैसे मैं इधर पे जितने भी गांव वाले हैं उनको घर में लेके जाने वाली हूँ। ऑलराइट, अभी सीढ़ी भी बन चुकी है मेरा अपना इधर पे। अभी देखो मैंने कितने सारे ब्रीडिंग ऑलरेडी करके रखा है इधर पे। तो अभी इधर से मैं 2 गांव वाले को ले जाऊंगी, उन लोगों का ब्रीड कराऊंगी, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा इधर पे गांव वाले बन जाएगा। तो चलो अभी लेके चलते हैं इन लोगों को। अभी आजा भाई, चलो निकल लिया। अभी इधर पे इसको ब्लॉक कर देते, पहले बंद कर देते हैं, नहीं तो भाई सा क्या मतलब क्रीपर वगैरह आ जाता है कभी कभार, पता नहीं। इधर पे मैंने कैट्स तो पाल के रखा बट कोई फ़ायदा नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। ओके चलो इतना तक तो मैंने कर लिया। अभी इनको हम लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। तो अभी इसको लेके तो आ चुके, आजा भाई। अभी भाई रुको रुको रुको, ऐसे नहीं होगा, मुझे ना लग रहा है और एक इधर पे मुझे ब्लॉक को बनाना पड़ेगा। तो इधर पे मैं इधर पे कंप्लीट इधर पे ना घेर देती हूँ पहले, ठीक है। अभी इसको अगर मैं लेके जाऊँगी बट फिर भी नहीं घुसेगा तो मुझे और एक सीढ़ी का ना इधर पे ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जितना मुझे लग रही है फिलहाल। हाँ यार ऐसे नहीं होगा, तो इधर पे और एक मैं इधर पे लैडर टाइप का कर देती हूँ कि इधर पे कोई दिक्कत ना हो। एंड लास्ट इधर पे मैंने इधर पे पूरा एकदम लेवल कर देती हूँ कि इधर पे आके ये जो नाव है ना ये बस आ जाए इधर पे। जी हाँ आ गया, ये वाला मैंने ज़्यादा बना दिया, इसको हटाते हैं एक सेकंड। हाँ अभी आ जाएगा, आ जा यार। भाई मैं ना गिर जाऊँ, रुक डबल क्लिक करके बैठ के इसको खींच के लेके आ दियो। आ जा भाई, ओके फाइनली। चलो इधर पे ये तो घुस चुका है, अभी ये सारे को हम हटा देते हैं, एकदम से क्लीन कर देते हैं जगह को। एंड अभी इधर पे ब्लॉक से हम इसको पूरा घेर देंगे कि ये लोगों को जब हम लोग इधर पे छोड़ेंगे ना तो ये लोग बस भाग ना जाए इधर से, ठीक है ना। अभी इधर पे पूरा हम ब्लॉक से और एक ब्लॉक देके इधर पे घेर देते हैं, नहीं तो ये लोग ना भागेगा, पूरा एकदम से भागेगा, मैं उन लोगों को पकड़ भी नहीं पाऊँगी उसके बाद। तो चलो, अरे यार शिट, रुको। अभी इधर पे इसको पूरा कंप्लीट एकदम से घेर देना है मुझे, हो गया बस। और इधर पे और एक लेयर बनाना है, ओके चलो कर लिया। अभी आई थिंक उधर पे भी एक लेयर देना है ना, हाँ इधर पे भी एक देना है, नहीं तो निकल जाएगा। अभी इसको पूरा देते हैं, भाई रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अभी ना मैं एक काम करती हूँ, अभी मेरे को जाना पड़ेगा, उससे पहले मैं ये सारे सीढ़ी को तोड़ देती हूँ कि इधर पे ज़ॉम्बीज आके एंटर ना कर जाए। चलो ठीक है, अभी चलो घर पे चलते हैं। सुबह सुबह तो मैं तो आ चुकी है। अभी इधर पे जो प्रॉब्लम हो चुका है ना, इधर पे मुझे और एक इधर पे ऐसे ही बिल्कुल ना एक ब्लॉक देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं जाके इसका नाव को हटा सकती हूँ। चलो अभी हटा देते हैं, अभी देख कैसे रह देगा। अभी इधर पे मुझे देना है
काफ़ी ज़्यादा ब्रेड एंड आप लोगों को पता है मेरा बहुत बड़ा फार्म है ब्रेड का, मतलब सारी मतलब इधर पे जितना भी सारे फ्रूट्स वगैरह है बेरीज वगैरह है उस सभी का ना मेरे पास बहुत अच्छा वाला फार्म है, तो उस दिन से ही मैं लेके आई हूँ सारी चीज़ें। एंड अभी इधर पर काफ़ी सारा ब्रेड भी लेके आया एंड काफ़ी दिन लगा मुझे ये सारे ब्रीडिंग करने में एंड धीरे धीरे देखते देखते मुझे इधर पर काफ़ी सारा विलेजर्स मिल गया। मुझे टोटल 20 विलेजर्स चाहिए था तो मुझे वो चीज़ें मिल गया, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। एंड अभी इधर पर मेरा इधर पर बस और एक ऐसे ब्लॉक करके इसको बस घेर देना है, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो एक ही फार्म बनाना, मैंने दो फार्म बनाया, एक भी फार्म बनाओगे तब भी चलेगा, अनलिमिटेड मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने बस और एक बना लिया बस, क्योंकि मेरा तो बेस बहुत बड़ा बड़ा रहता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए बना लिया। अभी बस इसके अंदर मुझे ये वाला ब्लॉक देके इसको घेरना है क्योंकि इसके ऊपर ही पानी आएगा, ठीक है ना। तो अभी इधर पे बिल्कुल इसी तरीके से देखो जैसे मैं बना रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से। आई होप क्या बोल रही यार, ऑलरेडी मैंने एक बना भी लिया है, वो तो काम कर रहा है तो ये भी करेगा। तो अभी चलो इधर पे इसको पूरा से एकदम से घेर देना है, इन लोगों को पूरा एकदम ढाक देना है इधर से, मतलब पूरा एकदम इन लोगों को मतलब बाहर निकलने की या फिर कोई पोजीशन ही बाकी ना रहे, ठीक है। तो अभी चलो इधर पे फटाफट से इसको पूरा से एकदम से कम्प्लीट करते हैं। लग जा भाई, अभी लास्ट और एक लेयर देना है, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। ऑलराइट, इतना तक तो मैंने कर लिया एंड इधर पर लास्ट और एक इधर पर लेयर देंगे। चल हो जा, इधर पर भी दे दिया, इधर पर एक एंड इधर पे और एक, चलो हो गया। अभी इसके ऊपर मुझे ना, रुको एक सेकंड, ये देखो कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है। बट अभी सुबह आ गया मैं फिर से एंड इधर पे जितना भी खाली जगह है उसको हम फिर से एक बार इधर पे ब्लॉक देके पूरा कंप्लीट इधर पे लुक को क्रिएट करने वाले हैं। इधर पे भी खाली था बहुत सारी जगह, तो सभी जगह पे मैंने इधर पे ब्लॉक को दे दिया। अभी हो गया इतना। अभी इधर पे मुझे ना इधर पे और एक इधर पे तीन ब्लॉक देना है, इसको बढ़ाना है। दूसरे साइड पे भी देखो तीन ब्लॉक दे दिया मैंने एंड इधर पे दो ब्लॉक ऐसे देना है और इधर पे तीन चार पाँच कंप्लीट एकदम से इसको फिल कर देना, ठीक है। अभी देखो मिडल पे मेरा इधर पे जगह बन चुका है, इधर पे दो ब्लॉक ऐसे देना है फिर से एक बार, देख पा रहे हो आप लोग। एंड इधर पे पूरा घेर देना है, ठीक है ना, ऐसे करके पूरा इस जगह को मुझे कंप्लीट इसको ब्लॉक से भर देना है, ठीक है। हो गया इतना तक। अभी इस तरीके से देखो इसका क्रिएट हुआ है लुक, ठीक है। इधर पे मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा नहीं तो नहीं कर पा रही। अभी अच्छे से यार इधर से दे दिया दो और इधर से भी दो ऐसे बिल्कुल राइट साइड से भी देना है। चल लग जा, चलो हो गया। अभी इधर पे मिडल पे मुझे चाहिए, उससे पहले देखो इधर पे मैंने एक दो ऐसे दिया एंड मिडल पे जो तीन ब्लॉक है ना उसके, देख रहे हो ना आप लोग अच्छे से, अभी इधर पे मिडल पे मैंने दे दिया। अभी हो गया इतना तक। अभी इधर पे पूरा मैंने भर दिया बट अभी मुझे इधर से अंदर जाना है तो अभी के लिए नहीं दे सकते, बाद में देंगे उसको। अभी इस कॉर्नर पर भी मुझे देना है इधर पर दो एंड इधर के ऊपर पे भी मुझे इसको पूरा फिल करना है, ठीक है ना। तो अभी चलो फटाफट से इसको देते हैं, फिल कर देते हैं। एंड इधर पे भी राइट पे भी सेम वे से मुझे, अरे यार सेम वे से मुझे इधर पे देना है। अभी इधर पे भी दे दिया, इसको भी दे दिया, हो गया। अभी इधर पे दिया, हो गया, चलो इतना तक हो गया। एंड इधर पे मिडल पे मुझे देना है चेस्ट बॉक्स को, ऐसे बिल्कुल लगाना है एंड इधर एक ब्लॉक देना है। अभी इसके पीछे मुझे इसको लगा के करना है इधर पे हॉपर, डबल क्लिक करके मिडल वाले ऑप्शन में मुझे इधर पे बैठ के करना है। एंड हॉपर लगाने का तरीका होता है, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगाना, नहीं तो कोई भी हॉपर में कुछ भी गिरेगा नहीं जाएगा चेस्ट बॉक्स पे। जो पहले लगा लिया मैंने उसके पीछे पीछे से ही एकदम से करके एक एक करके लगाना होता है, नहीं तो एकदम से हॉपर अगर उल्टा पुल्टा लगा दोगे कि इधर पे लगा दिया उधर पे लगा दिया तो नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है हॉपर को। अभी कोई भी हॉपर पे हम डालेंगे ना तो सीधा जाने वाला है चेस्ट बॉक्स पे। मैं एक एग्जाम्पल के दौरान दिखा देती हूँ, देखो कहीं पर भी मैं डालने वाली हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे एक ही जगह पर डालना है, कहीं पर भी डालूँ मैं, कहीं पर भी, ठीक है, चला जाएगा अपना चेस्ट बॉक्स पर जाके, सारी जगह से एक ही जगह पर जाके वो कलेक्ट होता रहेगा। अभी चलो इधर पर दो दे देते हैं एंड इधर पे भी दो देके इधर पे कंप्लीट इसको बंद कर देते हैं। अभी हो चुका है इधर तक। एंड अभी इधर पे मुझे दो जो लेयर बाकी था ना उसको पूरा कंप्लीट देना है, ठीक है ना, क्योंकि इधर पे भी तो आयरन ग्लो सॉरी गोलम इधर पे स्पॉन होने वाला है ना, तो इसके लिए ये वाला जगह को करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अभी इधर पे और इधर पे पूरा से एकदम से दिया मैंने, इधर पे भी एकदम से कंप्लीट एकदम से, मैं क्या ही बता, अरे यार क्या हो जा रहा है यार। अभी चलो इधर पे इसको भी पूरा एकदम घेरना है एंड उधर पे भी, ठीक है ना, मतलब पूरा घेर देना है और कुछ काम नहीं है इधर पे, मतलब है अभी भी बहुत सारे काम है, मैं दिखाती हूँ। एंड इधर पे भी इसको पूरा से एकदम से देख के इसको बंद कर देना है, ठीक है। अभी इधर पे बस दो ब्लॉक और लगाना है, चलो हो गया। अभी इधर पे भी सेम वैसे लगाना है, इसको देखो कितना सारा बाकी है, इसको पूरा कंप्लीट करते फिर ही हम आप लोगों से मिलते। चलो अभी पूरा तो कर लिया, अभी सामने का जितना भी खाली था ना उसको मुझे बस फिल करना है, उसको पहले कर लेते। सेम वैसे इधर से ब्लॉक को बस बिठाना है, थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है बट कोई बात नहीं, लगा देंगे हम सारे के सारे ब्लॉक्स को। अभी इधर पे पूरा कंप्लीट दे दिया, देख ही पा रहे हो आप लोग, पूरा दोनों तरफ मैंने सेम सेम कर दिया। अभी इस कॉर्नर पे मुझे देना है एक पानी का बाल्टी,
सेकंड पे भी इधर पे एक बाल्टी एंड मिडल पे देना। अरे यार मिडल पे देना था, इधर पे मिडल पे। तो एकदम से देखो सीधा सीधा पानी का लहर जाके गिर रहा है इधर पे, मतलब आयरन गोलम आएगा तो इधर पे जाके गिर के मर जाएगा, ठीक है। बट उसके पहले मतलब उससे पहले मुझे इधर पे पूरा एकदम ब्लॉक से घेर देना है एंड उसके बाद मुझे लगाना है इधर पे कैंप फायर को। तो मैंने पूरा तैयार कर लिया, अभी पूरा एकदम सेट रेडी है। अभी चलो बैठ के लगाते हैं इधर पे कैंप फायर को, ठीक है। डबल क्लिक करके बैठ गया मैं एंड इधर पे बस मुझे लगाना है सारे कैंप फायर को। चलो फटाफट से इधर पे लगा देते हैं एंड इधर पे लास्ट दो भी लगा दिया मैंने। अभी एकदम बन के रेडी हो चुका है अपना, सेम टू सेम एकदम, ठीक है ना। अभी एक काम करती हूँ, इधर पे मैं ब्लॉक देके सारी जगह को बंद कर देती हूँ कि इधर से आयरन गोलम बाहर ना भाग के निकल के गिर ना जाए, ठीक है। तो अभी इधर पे मैं पूरा एकदम से घेर दिया हूँ। वैसे आता नहीं है, उधर तक ही जाता है, इतना मोटा है वो बेचारा, निकल भी नहीं पाता है। बट फिर भी इधर पे घेर देती हूँ कि कोई आके चरवर ना जाए। वैसे स्पॉन तो होना नहीं चाहिए बट फिर भी इधर पे पूरा मैंने घेर दिया। चलो खत्म। फाइनली अपना आयरन फार्म बन के इधर पे रेडी हो चुका है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा हम लोगों को देता है इधर पे आयरन, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम अच्छे से मैंने बना दिया, एकदम से एकदम सही तरीके से बना दिया। अभी जो मेरा काम बाकी है वो है इधर पे जो आयरन फार्म है उसके पास में जितना भी सारा ज़मीन है ना उसको थोड़ा सा क्लीन करना है। बट उससे पहले मैं जितने भी सारे ब्लॉक्स इधर पे फालतू का लगाया था सारे को क्लीन करके एकदम से इधर पे चकाचक कर देती हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात ना हो एंड एकदम से क्लियर सा दिखे अपना आयरन फार्म। ऑलराइट, अभी बस इधर से मुझे 9 से 10 ऐसे पूरा एकदम से क्लीन रखना है, ठीक है ना, इधर पे कोई भी फालतू सा मॉब इधर पे आके इधर पे स्पॉन ना हो जाए। इधर पे मैं ऐसे कर देती हूँ तो फिर क्या होता है कि आयरन बोल रहे इधर पे कोई भी मतलब मॉब्स वगैरह इधर पे स्पॉन नहीं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे होता तो नहीं है, फालतू की बातें, कभी मैंने बहुत बार देखा है मॉब इधर पे आ जा रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट इधर पे पूरा मैं इधर पे 9 करके 10 करके जितना भी हो सके मैं इधर पे खींच दिया, ठीक है ना। तो इधर पे पूरा कंप्लीट मुझे ऐसे करना है, ठीक है। तो चारों ओर से मुझे यही चीज़ करना है, तो रिपीट क्या ही बताऊँ मैं। ओ भाई, मजाक हो रहा है क्या भाई, ऐसे जला देगा तू मेरे को। तो चलो अभी सुबह भी हो चुकी है एंड अभी जाके मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ अपने आयरन फार्म जो कि बन के एकदम से रेडी है। मैंने सारे क्लीन कर लिया एंड अभी देखो कुछ देर वेट तो करना पड़ेगा एंड देख ही पा रहे हो कि अभी आयरन गोलेम स्पॉन होना फिर से एक बार स्टार्ट हो चुका है। एंड इधर पे तो हो रहा है, उधर पे क्यों नहीं हो रहा है यार, होना तो चाहिए था। बट एक सेकेंड रुको ज़रा, होना तो चाहिए था क्योंकि मेरा अच्छा खासा इधर पे आयरन गोलेम स्पॉन हो रहा था, ठीक है ना। तो अभी देखो स्पॉन तो हो रहा है, ये देखो आ गया फिर से, ठीक है ना। तो हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम ले रहा है बट हो रहा है। तो अभी तो मतलब जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा बट जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि फाइनली मैंने बहुत सक्सेसफुल एंड बहुत मेहनत के बाद ये वाला फार्म को मैंने बनाया, मतलब बना ही लिया, बहुत दिन से इच्छा भी था तो बना लिया। तो चलो आज के पहले वीडियो में बस मैं इतना ही रखती हूँ एंड नेक्स्ट डे को देखते कौन सा मज़ा कर सकते हैं। गुफा वुफा में जाएंगे कुछ एक्सप्लोर वगैरह करने की मैं सोच भी रही हूँ। तो चलो नेक्स्ट डे के मिलते हैं एंड आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए से गेम प्ले की वीडियो को लेके, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।